स्थानीय कलेक्टर कार्यालय से पैदल चलकर शहीद स्मारक अमर ज्योति तक यात्रा निकाली गई। भगत सिंह की फोटो पर शहीद स्मारक में माल्यार्पण किया गया। जब यात्रा शहीद स्मारक पहुंची तो वहां कई दिनों से सफाई न होने के कारण कचरे का अंबार लगा हुआ मिला। कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई भी की गई तथा इसका कड़ा विरोध किया गया एवं नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्ष 1907 में जन्मे भगत सिंह जी कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और वे 23 मार्च 1931 को खुशी से तीनों वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर लटक गए। हमें ऐसे वीर सपूतों के बलिदान को नहीं भुला सकते और आज के युवाओं को ऐसे वीर शहीदों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। पार्टी के जिला संगठन मंत्री राजू पांडे ने कहा कि आज वर्षों बीत जाने के बाद छिंदवाड़ा के किसी भी स्थान पर शहीद भगत सिंह एवं राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति स्थापित नहीं गई है। उन्होंने इन सभी वीर शहीदों की मूर्ति स्थापित करने की बात कही। इसी कड़ी में आगे आम आदमी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर रक्तदान भी किया गया। रक्तदान करने वालों में आप जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, यूथ विंग जिलाध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा, आप पार्षद राहुल गढ़वाल, जिला सचिव राजेश लोखंडे, प्रमोद कंगाली, आशीष यादव, मुकुंद सनोडिया रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आप पार्टी के जिला संगठन मंत्री राजू पांडे और कई कर्मचारी उपस्थित थे। केसरी उजाला न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चेतन साहू की रिपोर्ट।